ऐसे लोगों को क्यों पालते हैं? इनकी हिम्मत हो तो हटा दें, वो अपनी आने वाले दिनों के विषय में सोचें। महेंद्र पांडे का वो हश्र होगा जो अभी आपने देखा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, एक एफआईआर कराने के लिए दरोगा के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, जो फेसबुक और अखबार में समाचार आया, वही हश्र महेंद्रनाथ पांडे का भी होगा। उन्नाव के एक विधायक ने बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उन्नाव का बयान दिया। अभी बाधा के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का बयान आया, इलाहाबाद के सांसद का बयान आया कि अब वो दिन आने वाले हैं कि अभी तो प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी धरना देना पड़ सकता है, ऐसा बयान विधायक ने दिया था आपके बगल जिला उन्नाव का। अभी बांदा का विधायक बोला है कि प्रदेश में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक तरफ माफिया गुंडा जो अवैध खनन गुंडागिरी करते हैं उनके लिए अलग कानून है, जो गरीब कमजोर है उनके लिए अलग कानून है। सही बात कहिए तो मुकदमा झेलिए, उनके खिलाफ अगर लड़िए तो मुकदमा आपके ऊपर हो जाएगा, उनके खिलाफ सरकार काम नहीं कर रही है, ये बांदा के विधायक का कहना है। अभी इलाहाबाद के सांसद गुप्ता जी का बयान अखबार में हमने पढ़ा कि पिछली सरकारों से 4 गुना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, जो बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं। कल तक तो यही लोग कहते थे, महेंद्र नाथ पांडे जी कहते थे, भाजपा के नेता कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, तो अब गलत कौन है? भाजपा गलत है कि हम गलत हैं?